हेलो माय ड्यू फैमिली। तो यार कैसे हो सारे के सारे, आई होप आप सब मस्त चकाचा एकदम मजे में होंगे। तो यार स्वागत है आप सभी का हमारी एक न्यू फ्रेश वीडियो में। तो गाइस हम सभी का 6th एनिवर्सरी इवेंट में बिल्कुल फ्री में मैजिक क्यूब मिल रहा है, और मुझे बता में से बहुत सारे बंदों ने क्लेम भी कर लिया होगा। और गाइस वैसे तो अपने इंडियन सर्वर पे अभी के टाइम पे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर काफी तगड़े तगड़े बंडल है, बोले तो बहुत सारे ओपीओवी बंडल आप सभी को अभी के टाइम पे देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन बहुत जल्द आप सभी को अपने मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर काफी तगड़े तगड़े लेजेंडरी बंडल्स देखने को मिलने वाले हैं। अब आखिर आप सभी को ये सारे के सारे लेजेंडरी बंडल्स अपने इंडियन सर्वर पे कब देखने को मिलेंगे, उसकी कंफर्म डेट आज के इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम सभी को बताने वाला, और साथ में तुम सभी को बताएगा कि तुम सभी को मैजिक क्यूब में क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। और यार साथ में यार आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे इवेंट्स के बारे में यार पूछा था, उनका भी हम रिप्लाई देने वाले हैं यार आज के इस वीडियो में। यार इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यार अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से यार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना भाई समझ के यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार सबसे पहले जवाब देते यार आपके कमेंट सेक्शन का। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी ने बहुत सारे इवेंट्स के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदों की कमेंट है कि शॉटगन फ्री में कब मिलेगी, उसकी स्किन 50% डिस्काउंट इवेंट स्टोर कब आएगा, भाई इवोगन M187 कब आएगी। गाइस ये अफवाह किसने फैला दी कि शॉटगन की स्किन बिल्कुल फ्री में मिलने वाली, लेकिन गरेना वालों ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया भाई आपको शॉटगन की स्किन वगैरह कुछ मिलने वाले, ऐसा कुछ नहीं आया। क्योंकि अभी जो अपने अपकमिंग इवेंट्स है उनमें भी शॉटगन की स्किन यार बिल्कुल फ्री में नहीं है। बाकी 50% जो डिस्काउंट इवेंट है गाइस वो काफी ज्यादा सर्वर्स पे आ चुका है, और अपने जो यहाँ पे जो अपने इवेंट चल रहा है 6th एनिवर्सरी का, इसके एंड तक आप सभी को देखने को मिल सकता है, कंफर्म तो नहीं है गाइस क्योंकि बहुत कम सर्वर पे आए, एक दो सर्वर पे ही अभी ये इवेंट आया है। बाकी अपना जो अभी 6th एनिवर्सरी के बाद में इवेंट आएगा उस इवेंट में तुम सभी को देखने को मिल सकता है 50% डिस्काउंट। और साथ में इवो गन्स के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इवो M1887, इवो अपनी जो है ड्रैगो AK, ड्रैगो फ्लेम AK जो है वो भी है, बहुत सारी इवो गन्स है, वो रिटर्न में कब आएगी। तो गाइस अभी जैसे अपनी गेम के अंदर कोई नई गन आती, नई इवो गन आती, जैसे अभी MP40 आई है, अभी एक दूसरी इवो गन आने वाली है, उसके बाद तुम सभी को बीच में जो रिटर्न में फिर से देखने को मिलेगी अपनी इवोगन, और अपनी जो ड्रैगो एको भी आ चुकी है, तो जो अपनी इवोगन रिटर्न में नहीं आई वो तुमको देखने को मिलेगी। अब ये तो कन्फर्म नहीं कि कौन सी आएगी, M1887 वाले देते हैं यार जो सी भी देंगे भाई, लेकिन अभी अपनी गेम के अंदर एक इवोगन आएगी, उसके बाद में आप सभी को यहाँ पर जो रिटर्न में देखने को मिलेगी। और भाई यार सबसे ज्यादा जो कमेंट था ना भाई बंदों का, पिंक डायमंड स्टोर, भाई इतना ज्यादा कमेंट, भाई सबसे ज्यादा कमेंट मेरे को देखने को मिला है ना, पिंक डायमंड स्टोर कब आएगा भाई, पिंक डायमंड स्टोर के लिए बंदे मतलब पागल है भाई। लेकिन भाई यहाँ पर जो अपना पिंक डायमंड स्टोर है ना भाई अपने इंडियन सर्वर के लिए कन्फर्म है ही नहीं अभी, क्योंकि भाई एक ही सर्वर पे अभी के टाइम पे जो पिंक डायमंड स्टोर आया है रिटर्न में, बाकी यार अपने इंडियन सर्वर पे 6th एनिवर्सरी में आने वाला था, लेकिन आप देख लो अपने इवेंट के अंदर कहीं आपको देखने को नहीं मिला है। बाकी इसके ऊपर जो है पूरी की पूरी वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में तुम सभी को डिटेल के साथ बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो अपनी जो आएगी वो पिंक डायमंड के ऊपर आने वाली है। फिर अब बात करते हैं अपने गेम के बारे में, आजकल तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा गेम खेला और गेम के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स गिरने वालों ने क्रिएट कर रखी है अभी के टाइम पे। पहले यहाँ पे देखो भाई ये वाला ग्लिच काफी ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे जो हम बंदे के साथ फाइट ले रहे ना, बंदा भी नॉक हो रहा है और साथ में हम भी नॉक हो रहे हैं, ये सिचुएशन मेरे साथ मतलब बहुत बार हो चुकी, मतलब बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो चुका कि मैं सामने वाले बंदे को नॉक करता हूँ, बंदा नॉक हो जाता है लेकिन साथ में यार मैं भी नॉक हो जाता हूँ, मतलब क्या मतलब यार भाई, एक बंदे को नॉक करो अब गरेना वाले दोनों को नॉक कर दे रहे हैं। अब यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ एक बार होती है जो चलता भाई, एक बार का चलता है, लेकिन भाई मेरे पास साथ कम से कम यार 3 से 4 बार ये चीज हो चुकी, 3-4 क्या इससे ज्यादा ही बार हुई, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना आपके साथ ऐसा अपनी गेम के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई मेरे साथ तो बहुत ज्यादा हो रहा, मतलब कि सामने वाला बंदा भी नॉक मैं भी नॉक, बोले यार क्या सिस्टम है भाई, एक बंदे को नॉक करो लेकिन गरेना वालों ने पूरा फ्री फायर को ग्लिच फायर बना दिया भाई, मतलब क्या बोल सकते हैं यार हम अभी। और एक सबसे बड़ा जो ग्लिच चल रहा है ना भाई, ग्लूवल लगा रहे हैं हम, ग्लूवल के पीछे नॉक हो जा रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा ग्लिच है गरेना वाले को यार, मतलब क्या बोले। अब जो नेक्स्ट अपडेट आएगी ना इसमें भाई ये चीज ना हटनी चाहिए भाई, इस ओबी अपडेट में बहुत सारे ग्लिच आ रहे हैं अपने फ्री फायर गेम के अंदर, मतलब बहुत सारे यार बेतुके के ग्लिच है भाई, क्या बोलूं मैं यार, मतलब ग्लूवल लगाने का क्या फायदा जब ग्लूवल के पीछे मर जाना है भाई, मतलब बहुत सारे ग्लिच है, मतलब जिस वजह से ना गेम में मूड ऑफ हो रहा भाई, मतलब बेतुके पे यार हम यहाँ पे नॉक हो ही जा रहे हैं। अब खैर यार गरेना वालों का क्या ही कर सकते हैं गाइस, मतलब इस ओबी अपडेट में आई होप यार गरेना वाले इस पे सुधार करेंगे। बाकी यार भाई गेम से हटके अगर बात करें ना, क्योंकि गेम के अंदर मैं बता रहा हूँ इवेंट अपडेट अभी बचे नहीं ज्यादा भाई, देखो अपना 6th एनिवर्सरी इवेंट चल रहा, बाकी अपकमिंग इवेंट की जो है लीक्स वगैरह आने वाली एक दो दिन में, तो तुम्हारा भाई तुमको बता देगा। बाकी देखो यार मैं डेली डेली वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन डेली के लिए अपडेट भी चाहिए, तुम बताओ गेम के अंदर इवेंट ही कभी कभी आते हैं भाई, तो उसकी अपडेट यार अब डेली डेली तो बता नहीं सकते ना यार, डेली डेली अपडेट आती भी नहीं भाई, अब बाकी बंदों को तरह मैं हूँ नहीं भाई, जैसे बाकी यूट्यूबर भाई एक ही अपडेट को घुमा फिरा के भाई इतने दिन तक चलाते हैं ना भाई, अब यार मन नहीं करता यार, अब एक अपडेट को मैं यार बार बार तुमको यार सुनाता रहूँ उसी को घिसा पिटा के, तो मजा नहीं आता है।
बाकी भाई यार फ्री फायर से हटके अगर बात करें ना, बिग बॉस, भाई बिग बॉस तो मैं से बहुत सारे बंदे देखते होंगे, बहुत सारे नहीं देखते होंगे, वहाँ पे अपने यार एलविस यादव चले गए भाई, मतलब फुकरा इंसान के साथ एलविस यादव वहाँ पे चले गए और इतना मज़ा आ रहा भाई, कल का एपिसोड देगा भाई, मैं तो भाई क्या बोलूँ भाई, आज तो मतलब ये जो अपना मैजिक क्यूब वाला मिशन है ना वो भी कंप्लीट नहीं किया, सुबह सुबह पहले मैंने ये जो एक डेढ़ घंटे का देते हैं ना वो कल का हाईलाइट वो देखा मैंने, बहुत मज़ा आ गया भाई वहाँ पे, एकदम क्या बोल सकते हैं भाई। और भाई यहाँ पे बिग बॉस के अंदर यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर होने वाला है, क्योंकि भाई दोनों के दोनों यूट्यूबर है, बाकी यार टीवी सीरियल वाले इनको खैर पूछता कोई नहीं भाई, इनको पूछने की भाई मतलब क्या बोले यार इनको, मैं तो बहुत सारे बंदों को जानता नहीं था, इनका नाम क्या है, टीवी सीरियल मैंने एक दो को देखा भी होगा, अविनाश को मैंने देखा था, पता नहीं किस सीरियल में देखा था, लेकिन मेरे को नाम ही पता नहीं था कि इसका नाम क्या है भाई, लेकिन भाई यूट्यूबर की पावर अलग ही, और एक पांडा गैंग हो गया और एक हो गए भाई अपना सिस्टम भाई, यहाँ पे देखो भाई कौन जीतता भाई, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आप किसको वोट करने वाले दोनों में। फाइनली बात करते हैं अपने यार मैजिक क्यूब स्टोर के अपडेट के बारे में, तो यार जो अपना मैजिक क्यूब स्टोर इसमें अभी के टाइम पे अपने इंडियन सर्वर पे काफी तगड़े तगड़े बंडल है भाई, पिछली अपडेट में भाई आपको 10 बंडल देखने को मिले थे काफी तगड़े तगड़े, अभी तक अपनी गेम के अंदर है और काफी सारे बंदों को मैजिक क्यूब मिल भी चुका, और इनके सारे के सारे जो बंडल्स है ना भाई इनमें से 10 बंडल यूनिक है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने इंडियन सर्वर पे आए हैं। अब अपनी बात करते हैं मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट कब आएगा, क्योंकि काफी सारे बंदे यहाँ पे कंफ्यूजन में कि यार यहाँ से एक बंडल एक्सचेंज कर ले नहीं करना है, क्योंकि भाई काफी सारे बंदे किस चीज के लिए एक्साइटेड है कि यहाँ पे क्या पता भाई इससे भी तगड़ा बंडल अपनी गेम के अंदर देखने को मिल जाए और यहाँ पे बाद में पछताना ना पड़े, तो काफी सारे बंदों ने यहाँ पे मैजिक क्यूब को सेव करके रखा है भाई, बहुत सारे बंदे यहाँ से एक्सचेंज नहीं कर रहे, सोच रहे हैं कि भाई यार अभी नया बंडल आएगा तब जाके मैं एक्सचेंज मारूंगा, इससे पहले एक्सचेंज करके कोई फायदा ही नहीं है। फिर भाई अब मैं तुम सभी को बताता हूँ कि अपना यार आखिर मैजिक क्यूब जो स्टोर है ना वो अपडेट कब होगा, तो भाई जो अपना मैजिक क्यूब स्टोर है ना बेसिकली जो अपडेट होता है 1 तारीख को होता है, महीने की 1 तारीख को हो जाता है अपडेट। अब यार अपना कौन सा महीना लगा भाई, जो भी महीना लगा भाई यहाँ पे जुलाई लगा है, तो जुलाई मतलब अब 1 अगस्त को अपना जो मैजिक क्यूब स्टोर है ना वो अपडेट होने वाला है, 1 अगस्त को तुम सभी को नए बंडल्स देखने को मिलने वाले अपने इंडियन सर्वर पे। अब कौन कौन से बंडल्स देखने को मिलेंगे भाई वो तो अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं तुम सभी को बता दूं अभी के टाइम पे जो बंडल्स अपने इंडियन सर्वर पे चल रहे ना वो इनमें से यार एक बंडल तुम एक्सचेंज मार लो, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता भाई तगड़े तगड़े बंडल्स यहाँ पे जो आप सभी को देखने को मिलने वाले, क्योंकि भाई जो अपना अगस्त मंथ में अपडेट देखने को मिलने वाला है इसमें तुम सभी को पुराने बंडल फिर से देखने को मिलने वाले अपने इंडियन सर्वर पे, हो सकता है 1-2 यार नए बंडल डाल दिए जाए, हो सकता है वो भी कंफर्म नहीं, मैं तुमको बता दूं भाई यहाँ पे, तो भाई अगर तुम चाहो तो यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम बचा के रखना चाहते हो और अपना मैजिक क्यूब तुम बचा भी सकते हो भाई, क्योंकि भाई अगले महीने के लिए भाई यार लेकिन इतना सबर नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ मेरे से तो सबर नहीं होगा भाई, मैं इसमें से एक बंडल तो एक्सचेंज मार लूंगा जो मेरे को तगड़ा लगेगा, बाकी भाई मेरे से सबर नाम की तो चीज होती नहीं भाई, सबर क्या होता भाई होते ही नहीं मेरे से भाई, मैजिक क्यूब मिलेगा मैं कुछ ना कुछ एक्सचेंज मार लूंगा भाई, मैं आज तक मैजिक क्यूब को सेव नहीं कर पाया, बाकी तुम लोग कमेंट में मेरे को बताओ क्या तुम लोग सेव कर पाते हो अपने मैजिक क्यूब को। तुम सभी को एक सच बात बताऊं, मेरा ना बिल्कुल भी वीडियो डाल का मन नहीं कर रहा चैनल पे, बस वो तो मैं तुम सभी के लिए यार वीडियो वगैरह डाल रहा हूं अपने चैनल पे, बाकी भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तो 2-4 बंदे यार जो मेरे लिए कमेंट करते उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं भाई, बाकी बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि भाई चैनल आप देख लो कितना ज्यादा डाउन है भाई, वीडियो बनाने का मन कहां से करेगा भाई जब चैनल पे व्यूज वगैरह नहीं आ रहे भाई, मतलब पहले की बात अलग थी कैसे व्यूज आते तुम्हारे भाई के, अभी चैनल की हालत खराब है भाई, बाकी यार मैं क्या बोलूं यार, तुम लोगों का थैंक यू यार, लव यू यार तुम लोगों के लिए जो बंदे सपोर्ट वगैरह अभी भी कर रहे हैं, बाकी यार देखो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार जय हिंद दोस्तों।